हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मीखा जिंदल, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम आपको उदयपुर की सीरीज में एक और ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं जो आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट वेन्यू है। उदयपुर क्योंकि लेक्स और माउंटेन व्यू के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पर आपको पूरे उदयपुर का फील आने वाला है। इस प्रॉपर्टी का नाम है ओरिका उदयपुर। अगर हम एयरपोर्ट से इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पर पहुँचने में आपको समवेयर अराउंड 45 मिनट्स लग जाते हैं। ये प्रॉपर्टी 5 एकर्स के एरिया में बनी हुई है। तो यहाँ पर एक बात मैं ये आपको मेंशन करना चाहूंगी कि ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पर बनी हुई प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको पूरे उदयपुर का आपको व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको रूम्स की एक अच्छी इन्वेंट्री मिल जाती है, मल्टीपल वेन्यूज मिल जाते हैं। तो आइए अब जल्दी से इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम हैं ओरिका के मेन पोर्च पर। यहीं पे वैलेट ईमेल, पार्क योर कार एंड कलेक्ट योर लगेज। तो यहीं पर आप अपने गेस्ट का ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं। यहां से अब हम जा रहे हैं इनकी मेन लॉबी में। नमस्ते मैम, वेलकम टू ओरिका। तो ये है ओरिका की मेन लॉबी। यहीं पे गेस्ट का वेलकम आप विद गार्लैंड, आरती एंड तिलक के द्वारा कर सकते हैं। यहीं पर गेस्ट को वेलकम ड्रिंक सर्व किया जाएगा। तो ये है मेन रिसेप्शन डेस्क जहाँ पर गेस्ट के इजी चेक इन एंड चेकआउट्स किए जाएंगे। लॉबी के इंटीरियर्स की अगर बात करें तो वाइट एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ लॉबी के इंटीरियर्स काफ़ी शानदार है। लॉबी से होते हुए ही अब हम आपको इनका बैंक्वेट दिखाने वाले हैं। बैंक्वेट से पहले ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है इनका मेन पीएफए एरिया जहां पर आपका मेन कोर्स सर्व किया जाएगा। नाउ दिस इज़ द गेट फॉर द बॉलरूम। तो अभी हम हैं इकारा बॉलरूम में। तो ये है इकारा बॉलरूम, आप देख सकते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, राजस्थानी पेंटिंग्स एंड उसी तरह से शानदार वर्क यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर आपको अगर हम साइज़ की बात करें 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको कवर्ड मिल जाता है। तो समवेयर अराउंड 150 to 200 गेस्ट की गैदरिंग आप ईजिली कर सकते हैं। इसके साथ ही में एक और कनेक्टेड एरिया भी है। तो ये है इकारा टेरेस जो बॉलरूम से एकदम कनेक्टेड है। तो एक आउटडोर वेन्यू आपको बॉलरूम के साथ में मिल जाता है। इसकी एंट्रेंस भी यहाँ पर इन्होंने अलग से एक सेपरेट दी हुई है, तो आप चाहें तो मेन एंट्रेंस इसको भी प्लान कर सकते हैं इकारा टेरेस पे, जो कि लॉबी लेवल पर ही है। तो ये रहने वाला है आपका पैसेज, इसको आप ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अब हम आ गए हैं इकारा टेरेस में, आप देख सकते हैं दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप अपना फूड लेआउट भी कर सकते हैं, या अगर आप संगीत का फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो आप एक टाइम लिमिट तक यहाँ पर अपना स्टेज भी प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ओरिका उदयपुर का रेस्टोरेंट जहाँ पर आपका 2 दिन के लिए ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है। इस रेस्टोरेंट का नाम है मिरासा। तो बहुत ही ट्रेडिशनल और गुड लुकिंग सिटिंग के साथ यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इन टोटल 150 लोग एक साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में एक आउटडोर स्पेस भी है। मिरासा रेस्टोरेंट के साथ ही में एक ये आउटडोर एरिया, यहाँ पर भी लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही में एक एरिया है द बाउली, तो यहाँ पर आप अपना जयमाला का जो सेरेमनी है वो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटिफुल प्लेस फॉर जयमाला, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जयमाला करते हैं तो उस पीएफए एरिया में, उस आउटडोर रेस्टोरेंट में आपके लोग आपको देख सकते हैं, गेस्ट वहां पर रहेंगे।
एंड यहाँ पर बारात प्रोसेशन के लिए जो पैसेज आप देख रहे हैं, यहाँ से बारात आएगी। तो बाउली का ये जो एरिया है, यहाँ पर जयमाला रखने के लिए ये बेनिफिट है कि आपको जो बैकड्रॉप्स के लिए यहाँ पर ये वाटरफॉल भी मिल जाता है। तो ये वाटर बॉडी एंड वाटरफॉल का जो लुक आता है द टाइम ऑफ जयमाला, दिस इज सो अमेजिंग। तो बेसिकली मिरासा रेस्टोरेंट में वी हैव 3 पार्ट्स। एक तो मिरासा रेस्टोरेंट हो गया, एक बाउली जो अभी हमने आपको जयमाला के लिए एक स्पेस दिखाया था, एंड थर्ड वन इज मिरासा टेरेस। आप देख सकते हैं मिरासा से ही पास में एक और एरिया आपको मिल जाता है मिरासा टेरेस। तो अगर आप हल्दी के टाइम पर फूलों की होली प्लान कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपना हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। तो सेकेंड फ्लोर पर ही एक और वेन्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है, कवर्ड स्पेस मिल जाता है, जिसका नाम है ओरम। तो ये भी एक स्मॉल आप बॉलरूम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में एक आउटडोर वेन्यू भी मिल जाता है जिसका नाम है अमृत बाग। तो यहाँ पर आप अपना फूड लेआउट भी कर सकते हैं। बेसिकली गाइज ओरम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक एक ओरम बैंक्वेट इटसेल्फ एंड दिस अमृत बाग एंड थर्ड वन इज दिस ओरम टेरेस। यहाँ पर भी आप अपने कुछ स्टॉल्स प्लान कर सकते हैं एज पर द फंक्शन। बेसिकली ये भी वेलकम लंच, मेहंदी लंच या हल्दी के लंच के लिए परफेक्ट वेन्यू है। गाइज अभी हमने आपको लॉबी लेवल पे इकारा और इकारा टेरेस दिखाए, इसके बाद हमने आपको दिखाए ओरम, द बाउली, अमृत बाग जो कि सेकंड फ्लोर पे थे। अब हम आ गए पूल लेवल पे जो कि थर्ड फ्लोर है। तो यहाँ पर हम आपको सूर्य बाग, चांद बाग एंड स्विमिंग पूल दिखाने वाले हैं। तो ये है चांद बाग, ये भी एक और टेरेस एरिया है। यहाँ से भी आपको पूरा उदयपुर का व्यू मिल जाता है। आप देख सकते हैं लेक्स भी, अरावली माउंटेन्स भी। तो यहाँ पर भी आप अपना कोई फंक्शन रख सकते हैं। तो लिफ्ट से एंट्री करते ही ये चांदबाग एरिया आ जाता है, और यहाँ पर आपने अगर मेहंदी का लंच प्लान किया है तो आप अपने स्टॉल्स लाइक बैंगल स्टॉल्स या जो भी आपने एक्टिविटीज प्लान किए हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहीं से चांदबाग से अब हम आपको लेकर आए हैं सूर्यगढ़ में, सूर्यबाग में, सॉरी, अब हम आपको लेकर आए हैं सूर्यबाग में। ये सूर्यबाग पूल से बिल्कुल कनेक्टेड है एंड यहीं से एक और टेरेस एरिया आपको मिल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस। यहां पर भी आप अपना बुफे प्लान कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेहंदी लंच। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ओरिका का पूल साइड। बेसिकली लाइव काउंटर के लिए इन्होंने एक ऑलरेडी इनबिल्ट स्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है, इसको भी एट द टाइम ऑफ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये है ओरिका का पूल। पूल भी यहाँ पर आपको लार्ज आउटडोर पूल मिल जाता है। यहाँ से आपको ओरिका का ब्यूटीफुल फसाद भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि ओरिका 3 लेवल में बना हुआ है, ए बी सी। तो ऊपर जो आप लेवल्स देख रहे हैं वहां पर रूम्स हैं। तो ये पूल साइड भी आप अपने फंक्शन के टाइम पे यूज कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को बाय आउट किया है। तो ये जो सारा फर्नीचर आप देख रहे हैं ये मूवेबल है, यहाँ पर हटाकर आप अपने गजीबोज या कैनोपीज लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम।
तो गाइज ओरिका उदयपुर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर रूम्स देखने के लिए अब हमने ली है बगी। अब हम आपको इनके रूम दिखाने वाले हैं। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप अपने रूम्स की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूम्स हैं ए बी सी तीन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो नीचे आपको अगर बॉलरूम और अपने वेन्यूज़ में आना है तो इसी पाथवे को फॉलो करते हुए आप बॉलरूम और अपने रेस्टोरेंट्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ओरिका उदयपुर में अगर हम रूम्स की इन्वेंट्री की बात करें तो आपको यहाँ पर इन टोटल 139 रूम्स मिल जाते हैं, जिसमें कि चार स्वीट्स हैं। तो आइए जल्दी से इन रूम्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम आपको ओरिका उदयपुर के प्रीमियम विस्टा रूम दिखाने वाले हैं। तो एंटर करते ही आपको यहाँ की लग्जरी वाइब्स मिलने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत लग्जीरियस है। यहाँ पर आपको शार क्यूबिकल मिल जाती है। अगर रूम्स की बात करें तो रूम्स के इंटीरियर गाइस स्पेक्टेक्युलर है, बहुत ही ऑसम इंटीरियर के साथ। वो उन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों का ब्लेंड यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही में एक आउटडोर एरिया भी आपको मिल जाता है, आउटडोर सिट आउट एरिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक मिनी पूल काइंड ऑफ थिंग इन्होंने दी हुई है। और यहाँ से आपको पूरा उदयपुर का व्यू मिल जाता है, आपको फतेह सागर लेक भी देखने मिल जाती है, अरावलीज भी देखने मिल जाती है। तो ओरिका उदयपुर में आपको फोर स्वीट्स मिल जाते हैं, उन फोर स्वीट में से अभी हम आपको एक स्वीट दिखाने वाले हैं, आइए से एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ गए हैं अब स्वीट में, आप देख सकते हैं स्वीट का लिविंग एरिया भी बहुत लग्जीरियस है, वाइट एंड गोल्ड की पर बेस्ड ये लिविंग रूम स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर्स को प्रेजेंट करता है। तो ये है इनका मेन बेडरूम, बेडरूम में भी आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा सिटिंग इन्होंने दी हुई है, और जो राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग एक झरोका उसमें बनाया हुआ है जहां से आप गार्डन व्यू ले सकते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज और एमिनिटीज तो आपको यहाँ पर सारी मिलती ही हैं। इसके साथ ही अगर इनके वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम इज क्वाइट स्पेशियस, आप देख सकते हैं। वॉशरूम में आपको यहाँ पर बाथटब तो मिलता ही है, यहीं पर आपको कैबिनेट स्पेस भी मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर शावर क्यूबिकल भी मिल जाती है। तो वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन टाइडी एंड बहुत ही लग्जीरियस है। स्वीट रूम में आपको एक और एरिया मिल जाता है, एक आउटडोर सिट आउट एरिया मिलता है विद प्लांच पूल। तो ये स्वीट का ही एरिया है, इन्फिनिटी प्लांच पूल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था ओरिका उदयपुर, जो कि आपने देखा कि थ्री लेवल्स पे बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। यहाँ से आपको पूरा उदयपुर का व्यू भी मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपको अच्छी रूम की इन्वेंटरी भी मिलती है, मल्टीपल वेन्यूज मिलते हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। तो यहाँ पर अच्छे वेडिंग पैकेजेस के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी वेडिंग प्लानिंग भी चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग का पार्ट हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू पर। थैंक यू सो मच।